जी नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिन्हा इस शो में नत्थू भोपाली का किरदार कर रहा हूं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमेडी कैरेक्टर है। हालांकि ये शो ही अपने आप में बहुत ही हिलेरियस और कॉमेडी शो है। शो का नाम नवरंगी रे है, जो कि 2 फरवरी से आप लोग देख पाएंगे इसे कलर्स रिश्ते चैनल पर। हर शनिवार हर रविवार रात को 9:30 बजे से 1 घंटे का शो है। ये बाई वीकली शो है और हम आप लोग को हंसाने गुदगुदाने आ रहे हैं। दोस्तों बताना चाहता हूँ शो के बारे में, ये नवरंगी रे जो शो है हमारा, ये हम लोगों ने सिर्फ कॉमेडी के ज़रिए अपने दर्शकों आप सब लोगों का मनोरंजन करते हुए ये दिखाया है, ये बताया है, हम बताने जा रहे हैं कि स्वच्छता अभियान कितना ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी में, क्योंकि स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और बहुत ही हंसाते गुदगुदाते हम लोग आपको सफाई के बारे में बताने वाले हैं कि ज़िंदगी में सेप्टिक टैंक बनवाना बहुत ज़रूरी है। लाइक जब तक आपका सेप्टिक टैंक नहीं बनेगा तब तक कब तक आप गाँव देहातों में आज भी बाहर लोग शौच के लिए जाते हैं, और कपड़े साफ़ पहनना ज़रूरी है, घर की सफाई, नालियों की सफाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आपको इसके बारे में जागरूक करने वाले हैं मनोरंजन करते हुए इंटरेस्टिंग तरीके से। और ये शो जो है, जैसे कि स्वास्तिक प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है हमारे प्रोड्यूसर साहब सिद्धार्थ कुमार तिवारी जी, वी ऑल आर सो लक्की एंड सो ब्लेस्ड कि हम लोग इस कंपनी से जुड़कर इस बेहतरीन शो का हिस्सा बने हुए हैं। हमारे डायरेक्टर साहब हेमंत प्रभु सर, जो कि हमारे कैप्टन ऑफ द शिप है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से हंसते हुए इस शो को हम लोग बना रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि इस शो में बिल गेट्स सर, मिलिंडा फाउंडेशन जुड़ा है, बीबीसी, स्वास्तिक, इन सब की से मिलते जुलते हम लोग का एक टीम एफर्ट है, जो कि आप लोग देख पाएंगे 2 फरवरी से। और ये हमारे निर्मल कांत चौधरी जी, जो कि मिस्त्री का, बताएं आप। मैं निर्मल चौधरी हूं और मैं इसमें राजमिस्त्री का किरदार निभा रहा हूं। राजमिस्त्री काम होता है घर बनाना और साथ में सेप्टिक टैंक भी बनाना। हमारे इस नौरंगी रे, जिसमें 9 रंग मिला हुआ है, इसका हैशटैग है #GiveAShit। हम लोग हंसाते हुए आप लोगों को बताएंगे, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान को बताया था कि स्वच्छ भारत हो, उसी को और भी आगे ले जाकर, ताकि जो जिनके जिनके तक ये बात ना पहुंची हो, उसे हंसाते हुए बताएं कि ये स्वच्छता हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, अपने डायरेक्टर हेमंत प्रभु साहब को और हमारे सिद्धार्थ जी को, जो कि प्रोड्यूसर हैं, बीबीसी को, ब्रेंडा फाउंडेशन को, और क्या कहते हैं, बिल गेट्स सर को, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी है, ताकि हम लोग हंसाते हुए नौरंगी सीरियल के माध्यम से आप सभी को स्वच्छता के लिए प्रेरित करें, जागरूक करें। धन्यवाद। ओके, हेलो, दिस इज सलमान अली। मैं प्ले कर रहा हूँ लोटा। लोटा बाय नेचर, आप उसे अगर थाली में रखोगे तो वो किसी भी तरफ जाएगा जिस तरफ थाली भारी है। मेरा कैरेक्टर भी सेम है, मैं किसी के तरफ नहीं हूँ, जो मेरी तरफ है मैं उसकी तरफ हूँ, जो मुझे पैसा देता है मैं उसकी तरफ हूँ। अभी इस शो की अगर हम बात करें तो हम ये शो में ये दिखाना चाह रहे हैं, बहुत सारे आज अभी भी लोग हैं जो अभी भी हाइजीनिकली इलिटरेट हैं, तो हम उसे हंसाते हुए एक बहुत ही गंभीर बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ऐसे ऐसी चीज़ें नहीं करोगे तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे प्रभाव आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप सफाई को बढ़ावा दोगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी, इससे किसी और का फ़ायदा नहीं होगा, तो वो वाली बात हम कहना चाह रहे हैं। और यहाँ 13 हमारे कैरेक्टर्स हैं, 13 अलग अलग, पूरी तरह से 9 अलग अलग लोग, 9 अलग अलग रंग के लोग हैं, इसीलिए इस मोहल्ले का नाम है मोहल्ला नवरंगी। उसमें हमारे सबसे अभी इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे सेप्टिक टैंक को साफ करते हैं, आप उनसे मिल लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण नामदो है और मैं इसमें टिल्लू का एक कैरेक्टर कर रहा हूँ। टिल्लू का काम ही है कि मोहल्ले में जो सेफ्टी टैंक बने हुए हैं उनको साफ करना। हम सेफ्टी टैंक तो बनवा लेते हैं लेकिन सफाई कभी नहीं कराते, तो हमारा काम वो है कि भाई आपको ये भी बता रहे हैं कि वो भी साफ करवाना है आपको। और पूरा भारत लगा है स्वच्छता अभियान में, तो हम लोग कैसे पीछे रहते। स्वास्तिक ने हमें मौका दिया, थैंक्स स्वास्तिक, और बस हम लोग निकल पड़े। दोस्तों आप लोग ज़रूर देखिएगा 2 फरवरी से हर शनिवार हर रविवार रात को 9:30 बजे से 10:30 बजे तक 1 घंटे का शो है, बाई वीकली है, और हम आप लोग को हंसाने गुदगुदाने आ रहे हैं। धन्यवाद। चटपटी दुनिया के अटपटी लोग, नवरंगी रे। थैंक यू, रख दीजिए, मैं लेती हूँ अभी। क्या कहना चाहेंगे नवरंगी रे? अटपटे लोगों की एक चटपटी सी दुनिया है, जहाँ जिसमें बहुत ही रियल, बहुत ही क्वकी, बड़े रिलेटेबल से कैरेक्टर्स हैं। आप नूर और नसीर को देखेंगे, चिरंजीव मोतीचूर को देखेंगे, विश्वास और चित्रा को देखेंगे, आपको लगेगा शायद आप इन लोगों से मिल चुके हैं, शायद आप इनमें से कोई एक हैं। आपके पड़ोस में कोई हो? करेक्ट, तो बड़े आम से लोग हैं हम,
पर अपनी तरीकों में बड़े स्पेशल और बहुत यूनिक हैं, और हर हफ्ते हमारी ज़िंदगी में कोई एक छोटी से बड़ी दिक्कत आ जाती है और हम साथ में उसको सॉर्ट आउट, सच्चाई से, स्वच्छता से उसको सॉर्ट आउट करते हैं। और मेरा नाम पवन शुक्ला है, मैं इसमें नसीर मियाँ का करेक्टर कर रहा हूँ जो एक दर्जी है और अपनी बेगम से बहुत प्यार करता है क्योंकि ये दूसरी शादी है इनकी और इन मुझसे बहुत छोटी हैं, तो जाहिर सी बात है मैं इन पर लट्टू हुए रहता हूँ, गाने नहीं सुनाता हूँ, शेर व शायरी करता हूँ और इन पर नज़र भी रखता हूँ, लेकिन ये इन चीज़ों से खुश नहीं होती। कितने कपड़े सिलवाए, गहने दिए, लेकिन हाँ आप बताइए, अब आप हम बताते हैं तकरार कहाँ होती, सुन लीजिए। हम बताते हैं, नमस्कार, आदाबर से, मेरा नाम वसुंधरा कौल है, मैं नूर बेगम का किरदार निभा रही हूँ, साथ में हम नूर नसीर हैं। हमारे रिश्ते में बहुत सारी मोहब्बत है, बहुत सारी शायरी है, ये एक बहुत ही उम्दा दर्जी है, इसीलिए मेरी लुक शो में बिल्कुल डिस्टिंक्ट, बिल्कुल अलग है ऐसे नेट की सुंदर सुंदर चुन्नियाँ और बिल्कुल फिटेड सूट, लेकिन कपड़ों से और गहनों से खुश नहीं होते। ये तो कहती हैं भाई मुझे एक टॉयलेट चाहिए घर में, और घर में एक ही कमरा है, कहाँ टॉयलेट बनवाऊं, बताइए, आप ही बताइए। आप अपनी जन्नत मत छोड़िएगा, अली मियां बीमार पड़ जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। अली मियां के लिए ऊपर बैठा कमाल कर, बेगम बेगम मत करिए, आपने हमसे इसलिए निकाह किया था क्योंकि हम में अदा है, हम में गुरूर है, हम खूबसूरत हैं, सिर्फ इसलिए तो नहीं किया था ना आपने, इसलिए हमसे निकाह किया था क्योंकि हम जहीन हैं और हमारी जहीनियत ये कहती है कि घर में टॉयलेट होना, सैनिटेशन होना, हाइजीन होना बहुत 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 बिल्कुल हर घर में ज़रूरी है जी। इनफैक्ट पर्सनली स्पीकिंग एज वसुंधरा कौल एंड पवन जी, हम बहुत ऑनर्ड हैं कि हमको ये एक मौका मिला कि जी कि हम इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल के साथ, इनिशिएटिव के साथ जुड़ पाए, एंड वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, टू बीबीसी, वायोकॉम 18 एंड स्पेशली स्वास्तिक प्रोडक्शंस, वी आर वेरी थैंकफुल एंड वेरी ऑनर्ड कि हम एक इतनी इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज का हिस्सा है। इन मैसेजेस को सोशल गुड्स भी कहते हैं और हम बड़े खुश हैं कि हम इन सोशल गुड्स को एक बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, और बतौर कलाकार हमारे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि हम अपने कला के ज़रिए कुछ भी कर सके, कुछ भी अपनी सोसाइटी या अपने समाज को कुछ भी वापस दे सकते हैं। तो जब हम सीन्स करते हैं, हमारे लिए सिर्फ वो एक नोकझोंक वाला सीन नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक मियाँ बीवी लड़ रहे हैं और नोकझोंक कर रहे हैं, ये देख के अगर लोग एंटरटेन हो तो बहुत बढ़िया, पर हमें ऐसा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है क्योंकि हमारी लड़ाइयाँ भी एक मुद्दे को लेकर हैं। तो एज कैरेक्टर्स हम बहुत खुश हैं कि हम सिर्फ ऐसे रैंडम कैरेक्टर्स नहीं है शो में, कोई भी कैरेक्टर रैंडम कैरेक्टर नहीं है, पर हम बहुत खुश हैं कि हमारे रिश्ते में एक मुद्दा है और जब हम बात करते हैं और हम लड़ते हैं तो हम शो के कॉज को और मैसेज को और आगे ले जाते हैं। थैंक यू, देखेगा जरूर, बिल्कुल, अटपटे लोगों की चटपटी दुनिया नवरंगी रे, 2 फरवरी से हर सैटरडे संडे रिश्ते पे 9:30 बजे। शुक्रिया, थैंक यू। पहले तो आज के इसके बारे में बताइए, पूरा क्या चल रहा है, पूरा नवरंगी रे इसके बारे में जानना चाहूंगा। देखिए, जैसे आपने देखा ही होगा टैगलाइन है नवरंगी रे अटपटे लोगों की चटपटी दुनिया, तो ये नवरंगी रे एक मोहल्ला है जो यूपी में कहीं पर है और इसमें आपको जितने भी कैरेक्टर मिलेंगे वो बड़े ही चटपटे हैं और बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से हमने एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की है इस पूरे शो में। और ये शो इसलिए स्पेशल भी है कि इसमें 4 पावर हाउसेस जुड़े हुए हैं, जिसमें कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स हैं, उसके बाद वायकॉम 18 है, स्वास्तिक है और बीबीसी वर्ल्ड वाइड है। तो 4 बहुत मेजर पावर हाउस जुड़े हैं इस पूरे शो के साथ एक अच्छी कॉज के लिए, अवेयरनेस के लिए, जिसको हम कहते हैं हाइजीन के ऊपर और स्वच्छता अभियान जो हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने चलाया है अभी भारत में, तो ये पूरा सेप्टिक टैंक के ऊपर है। और हम जो है चिरौंजी देवी का कैरेक्टर कर रहे हैं, जो मोतीचूर हलवाई वाला हलवाई जो है उनकी धर्मपत्नी है, और ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इनके हस्बैंड जो हैं ये बहुत ज़्यादा कंजूस हैं। तो हमारे घर में टॉयलेट तो है भाई, लेकिन हमारे घर में सेप्टिक टैंक नहीं है, जिसकी वजह से न सिर्फ हमें, सारे मोहल्ले को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जो भी
फ्लश आउट होता है वो सारा जो है वो मोहल्ले की नालियों में जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ होती है, बहुत बदबू होती है, बहुत मक्खियाँ होती हैं, और आए दिन हमारे घर में लोग झगड़ा करने आते हैं। लेकिन हमारे पति इतने कंजूस हैं कि बच्चे बीमार पड़ जाएं, उन्हें डायरिया हो जाए, उन्हें मलेरिया हो जाए, डॉक्टर की फ़ीस दे आएंगे जाके, लेकिन सेप्टिक टैंक नहीं बनवाएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सेप्टिक टैंक में खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हमारा शो है, हमने बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से आप सबको बताया है कि सेप्टिक टैंक बनाना कितना ज़रूरी है। लेकिन आप प्लीज़ मेरे पतिदेव मोतीचूर जी से ज़रूर बात कीजिए, जो जिनकी कंजूसी की वजह से ये पूरा नवरंगी रे मोहल्ला जो है परेशान है। देखिए आप, मेरा नाम राकेश श्रीवास्तवा है, मैं मोतीचूर हलवाई का किरदार निभा रहा हूँ इस सीरियल में। जैसा कि इन्होंने कहा था, ये अटपटे लोगों की चटपटी कहानी है, अटपटे लोगों की। सिर्फ ये नवरंगी मोहल्ला की बात नहीं है, ये देश के हर मोहल्ले की बात है, ये हर मोहल्ले को रिप्रेजेंट करता है हमारा नवरंगी मोहल्ला। क्यों? क्योंकि यहाँ हर जगह पे ये सेप्टिक टैंक की समस्या है, लोग नहीं बनवाते हैं, जिसकी वजह से लोग स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। जहाँ तक हमें कहा गया कि हम कंजूस हैं, तो भैया हम तो हैये हैं कंजूस, बहुत बड़े कंजूस, का कल लोग ही बताओ। अब हमने कहा ना कि हमने अपने घर में टॉयलेट बनवाया हुआ है और सेप्टिक टैंक नहीं लगाया तो क्या हो गया है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अरे आप जाते हैं सुबह, आपका जो है पेट साफ हो जाता है ना, बस आप वहीं तक खुशी रह रही ना, काहे को परेशान हो रही हैं? लेकिन मन में नहीं करती, सुनती नहीं हमारी बात। बताइए, ऐसी पत्नी होती है आजकल की, देख लीजिए। अब देखिए, मैं आहना सिंह हूँ, मैं इस रोल में बबली का करेक्टर कर रही हूँ, जो कि मोतीचूर की बेटी है। और पापा का फेमस डायलॉग क्या है? हम तो ये हैं काया, बहुत बड़े काया। और बोलो, चारिन कपूर से मिले आप? किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, क्या क्या बात करते, कुछ बताना चाहेंगे? बोलो बोलो। अनिल कपूर जी से शूटिंग में मिली थी ना? हाँ। तो बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या कर रहे हो? मेरा नाम है ऋचा दीक्षित और मैं मोतीचूर की बड़ी बेटी खुशबू का किरदार कर रही हूँ नवरंगी रे में। और मोहल्ले में लोग मुझे सेल्फी क्वीन एंड ब्यूटी क्वीन के नाम से जानते हैं। और मोहल्ले का हमारी जो समस्या है वो है सेप्टिक टैंक, तो हम सभी इस मोहल्ले का समाधान कर रहे हैं। और हमारे पापा इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो रहे, और कि भाई सेप्टिक टैंक वो बनवा दे, लेकिन वो बनवा नहीं रहे। तो हम सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से सेप्टिक टैंक बनवाएँ और इस मोहल्ले की समस्या का समाधान हो। इसलिए आप देखिए कलर्स रिश्ते पर नवरंगी रे सैटरडे टू संडे 9:30 बजे। कहीं ना कहीं आपका लुक जो है वो ढिंचैक पूजा से कंपेयर किया जाएगा, आपको लगता है ऐसा? हाँ बिल्कुल लगता है ऐसा, और कोई बात नहीं, मुझे मैं अच्छी लग रही हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने जो है ना ढिंचैक पूजा की बात करके आप गलत कर रहे, ढिंचैक पूजा ने इसकी नकल की है। वो बेटी किसकी है? मोतीचूर हलवाई इसको कहते हैं बाप, मतलब बेटी की। अच्छा एक मिनट, ढिंचैक पूजा पुराना हो चुका है, ये जो है ये सेल्फी क्वीन है। इनका काम ये है कि ये बेसिकली जो भी हो रहा होता है उसको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लाइव जाके वायरल कर देती हैं। इनके डायलॉग में ही रहता है लाइक्स की कसम, वायरल हो जाए। और ये मतलब बिल्कुल आज जो आज की जनरेशन है, अभी जो यंग जनरेशन है जो बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है ट्विटर और इंस्टा से, तो इनका कैरेक्टर उसी से प्रभावित है। आपको हर मोहल्ले में, आप लोगों को हर मोहल्ले में ऐसा कैरेक्टर भी मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा, ऐसे तो बहुत मिलेगा। परेशान बीवी आपको हर मोहल्ले में हर घर में मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।